जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और मुख्य रूप से ये है कि जो सरकार की योजनाएं उनकी जानकारी देना और उनमें अगर कहीं कोई रुकावट है रही कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी जानकारी जनता से लेना, क्योंकि हमने योजनाएं बनाई वो जनता के लिए हैं। अगर जनता को कोई परेशानी है तो जनता हमारे सामने रखे ताकि हम उसको ठीक करके दोबारा से उसको ठीक से चल सके। और उसके अलावा कुछ और समस्याएँ भी हैं गाँव की, केवल वो नहीं होती, तो उसके लिए भी बैठ के लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करना। जो समस्याएं अभी तुरंत सुलझाने की थी, सॉल्व करने की थी, वो हमने तुरंत अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का मैंने समाधान यही किया। और कुछ जो जिसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, खर्च की ज़रूरत थी, वो सारी समस्याएं जो भी गाँव वालों ने हमें दी हैं वो सारी की सारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दी और उस पर निश्चित तौर से वो कार्रवाई करा। मैंने समस्याएं तो गिनी नहीं है अब कितनी आई, पर जो हमने दी कुछ जो निर्माण की थी जैसे रास्ते की थी या दूसरी थी वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी और जो वैसी समस्याएं थी वो अधिकारियों को तो तुरंत बुला के उसी टाइम वो सॉल्व कर दी। सरकार के आरोप तो लगाते ही रहते हैं समय समय पर, अब इस इन बातों में कोई मेरा लगा गंभीरता भी नहीं होती, बस कहने के लिए कह देते हैं। देखिए पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद, क्योंकि उसमें पहले से भी शंका इस प्रकार की थी कि जब पिछली बार हमारा सेशन था तो जिस प्रकार की भाषा ममन खान ने वहाँ पे उपयोग की वो भी आपत्तिजनक थी और मैंने हाउस में भी इस बात पे आपत्ति की थी कि ये भाषा जो है ये सही नहीं है, धमकाने की भाषा थी, तो उससे भी था। और उसके बाद जिस प्रकार दंगे हुए तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि जहाँ जहाँ भी दंगे हैं तो वहाँ पर उसकी उपस्थिति पाई गई, तो ये पुलिस की इंक्वायरी के बाद है और पुलिस ने इंक्वायरी की और उसको दोषी पाया तो उसको गिरफ्तार किया गया।